बहौत्य मन्वंतर की कथा तथा 14 मन्वंतरों के श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसके पश्चात अब तुम बहौत्य मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो तथा उस समय होने वाले देवर्षियों और पृथ्वी का पालन करने वाले मनु पुत्रों आदि के नाम भी श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उनकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती और मुनि के लिए फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप मौजूद रहता और उनके कमंडलू में भी भरा रहता था। भूति मुनि के एक भाई थे जो सुरवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान, शांत, जितेंद्रिय, विनीत, गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स, मैं अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रम पर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है सुनो। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे अग्नि बुझ न पाए। गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाई के बुलाने पर भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। इधर शांति गुरु भक्ति के वश में होकर उन महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समीधा, फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तब तक भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई। अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा दुख हुआ और वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं, तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे। जिनके प्रभाव से डर कर देवता भी उनके शासन में रहते हैं, वे मुझ अपराधी को शाप से दग्ध न करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। अपने गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांति मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार से सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक, हाथ जोड़ एकाग्र चित्त हो स्तोत्र आरम्भ किया। शांति ने कहा, समस्त प्राणियों के साधक महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके 1, 2 और 5 स्थान हैं। वे राजसूय यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को वृत्ति देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। अग्नि, तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान, तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम ही समस्त देवताओं के प्राण हो। तुम में हवन किया हुआ हविष्य अत्यंत पवित्र होता है। फिर वही मेघ बनकर जल रूप में परिणत हो जाता है। फिर उस जल से सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, अनिल सारथे। फिर उन समस्त अन्न आदि से सब जीव सुख पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता, दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन, उन यज्ञों के आधार तुम ही हो। अतः अग्नि, तुम ही सबके आदि कारण और सर्व स्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, मृग, पक्षी तथा सर्प, ये सभी तुमसे ही तृप्त होते हैं और तुम ही से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तुम ही से इनकी उत्पत्ति है और तुम ही में इनका लय होता है। देव, तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम ही उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकाने से ही जल प्राणियों की पुष्टि करता है। तुम देव
देवताओं में तेज, सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से स्थित हो, मनुष्यों में क्रोध, पक्षी और मृग आदि में मोह, वृक्षों में स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रवत्व तथा वायु में जल रूप से तुम्हारी स्थिति है। अग्नि, व्यापक होने के कारण तुम आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। अग्निदेव, तुम संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते हैं तथा फिर वे ही तुम्हें तीन प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कल्पित करके ऋषियों ने आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि गण इस विश्व को तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य, कव्य आदि के द्वारा स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके अपने कर्मों के अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव, प्राणियों के परिणाम, आत्मा और वीर्य स्वरूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों का दाह करती हैं। परम कांतिमान अग्निदेव, संसार की यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव, तुम्हें नमस्कार है। हुताशन, तुम्हें नमस्कार है। पावक, आज तुम्हें नमस्कार है। हव्य वाहन, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाए पिए हुए पदार्थों को पचाने के कारण विश्व के पालक हो। तुम ही खेती को पकाने वाले और जगत के पोषक हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के हेतु भूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम ही सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सूर्य और तुम ही अग्नि हो। अग्नि, दिन रात तथा दोनों संध्याएं तुम ही हो। सुवर्ण तुम्हारा वीर्य है। तुम सुवर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में सुवर्ण की स्थिति है। सुवर्ण के समान तुम्हारी कांति है। मुहूर्त, क्षण, त्रुटि और लव सब तुम ही हो। जगत प्रभो, कला, काष्ठा और निमेश आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभो, तुम्हारी जो काली नाम की जिह्वा है वह काल को आश्रय देने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों के भय से हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नामक जिह्वा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोक के महान भय से बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नामक जिह्वा है वह लघिमा नामक गुण स्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नाम की जिह्वा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण करती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधूम्र वर्णा नाम की जिह्वा है वह प्राणियों के रोगों का दाह करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुलिंगिनी नामक जिह्वा है जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नाम की जिह्वा है वह समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। हुताशन, तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो और संसार से हमारा उद्धार कर दो। वन्ही, सप्तार्चि, कृशानु, हव्य वाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन, इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय, अचिंत्य, समृद्धिमान, दुस्सह एवं अत्यंत तीव्र वन्ही हो। तुम मूर्त रूप में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो, अथवा तुम अत्यंत पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। हुताशन, तुम संपूर्ण जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम, अनंत एवं स्तवन करने योग्य सत्व हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम ही पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा दिन रात हो। महासागर के उदर में
बड़वा नल के रूप में तुम ही हो। तुम ही अपनी परा विभूति के साथ सूर्य की किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए हविष्य का साक्षात भोजन करते हो, इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षि गण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वशत का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से दिए हुए हविष्य को भी तुम ही भोग लगाते हो, और इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हो। विप्रगण अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया जाता है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए सर्वदा अंगों सहित वेदों का पठन पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञ परायण ब्रह्मा, सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, अर्यमा, जल के स्वामी वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा हो। संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्ही को हविष्यों द्वारा संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों न हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है, इसलिए मुनिगण संध्या काल में उसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव, मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप, मुझ पर प्रसन्न हो। अत्यंत निर्मल कांति वाले पावक, मुझ पर प्रसन्न हो। विद्युन्मय, आज मुझ पर प्रसन्न हो। हविष्य भोजी अग्निदेव, तुम मेरी रक्षा करो। वहिये, तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है। देव, तुम्हारी जो सात ज्वालामयी जिह्वाएं हैं, उन सब के द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि, शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे, शांति उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवन, मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्ति से विनित होकर जो कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सुने। देव, मेरे आचार्य अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में गए हैं। वे जब लौट कर आए तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखें। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो, फिर उस पुत्र में वे जितना स्नेह करें उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, महामुनि, तुमने गुरु के लिए दो वर मांगे हैं, अपने लिए नहीं। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा, उनके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौत्य के नाम से प्रसिद्ध एवं मनवंतरों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी तथा उसे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यज्ञों में, पर्व के समय, तीर्थों में और होम कर्म में जो धर्म के लिए मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समय में होम करने आदि के जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषों द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सब को यह स्तोत्र सुनने मात्र से शांत कर देगा। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों द्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापों का नाश करने वाला होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान अग्नि उनके देखते देखते बुझे हुए दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्निदेव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया।
इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्निदेव को पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीच में उनके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम को लौटे। शिष्य शांति ने गुरु के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन और पूजा को स्वीकार करके गुरु ने उनसे कहा, वत्स, तुम पर तथा अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता यह क्या बात है, यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य से अग्नि के बुझने आदि की सब बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो आए। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदनंतर भूति मुनि के भौत्य नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। उस मन्वंतर में चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजीर तथा धारावृक, ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सब के इंद्र होंगे शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। आग्निध्र, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजीत, ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु, गभीर, बृध्र, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, सग्रंदन, तेजस्वी तथा सुबल, ये मनु के पुत्र होंगे। क्रोष्टुकी जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मन्वंतरों का वर्णन किया। उन सब का क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्य का भागी होता है तथा उनकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मन्वंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। स्वारोचिष मन्वंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। औत्तम मन्वंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान तथा रैवत मन्वंतर के श्रवण से बुद्धि एवं सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चाक्षुष मन्वंतर के श्रवण से आरोग्य, वैवस्वत के श्रवण से बल तथा सूर्य सावर्णिक मन्वंतर के श्रवण से गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सावर्णिक मन्वंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सावर्णिक के श्रवण से कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है तथा रौच्य मन्वंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। भौत्य मन्वंतर की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवता की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्र के पुण्य तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मन्वंतरों के देवता ऋषि, इंद्र, मनु, मनु के पुत्र तथा राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इंद्र, राजा तथा मन्वंतरों के स्वामी ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह 14 इंद्रों की आयुर पर्यंत उत्तम गति का भोग करता है।